व्याख्याता भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट आपको देंगे, उससे पहले अगर नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तिथि बढ़ाने को लेकर जारी रहा धरना, धरना काफी दिनों से जारी है और इसी बीच अभ्यर्थी है जो पीसीसी जाने पर अड़े और पुलिस और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में झड़प भी हो गई थी और सांसद रामचंद्र बोरा भी मौके पर पहुंच गए। बेनीवाल ने भी कहा जरूरत पड़ी तो मैं आऊँगा, यानी कि आंदोलन काफ़ी तेज चल रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। परीक्षा सही समय पर होने का सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा सही समय पर की जाएगी। इसी बीच हमारे पास एक कमेंट आया है, उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। प्रथम श्रेणी व्याख्यात परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना किसी भी सूरत में तर्कसंगत बात नहीं है। ये किसी ने लिखा है कि तर्कसंगत बात नहीं है, आपको क्या लगता है कि ये तर्कसंगत है परीक्षा को आगे बढ़ाना? इनकी जो दो अन्य मांगे हैं, यानी कि अभ्यर्थियों की जो अन्य मांगे हैं, अन्य मांगों में देखिए महत्वपूर्ण आरक्षण 50% से घटाकर 5% करना, राज्यों का आरक्षण है जो 50% से घटाकर 5% करना और इनके पदों में वृद्धि करना निश्चित ही तर्कसंगत मांगे हैं। यानी कि अभ्यर्थियों को ये परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने का मूल उद्देश्य ये रखना चाहिए कि अन्य राज्यों का आरक्षण घटाया जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग इस परीक्षा की तिथि को लेकर धरने पर बैठे हैं वही लोग आज से 9 महीने पहले धरने पर बैठे थे, उनकी मांग मानी गई थी और बार बार ऐसी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाना उन छात्रों के लिए पीड़ादायक है जो छात्र 6x10 के कमरे में पिछले 3 साल से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? ये सिर्फ और सिर्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को फ़ायदा पहुंचाने और गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से आगे आने वाले पढ़ने वाले छात्रों के लिए निस्संदेह बहुत गलत बात है। आपको क्या लगता है कि ये गलत है या सही है? आप अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर पब्लिश करेंगे। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों की मांग ये भी है कि परीक्षा सही टाइम पर करवाई जाए क्योंकि परीक्षा आगे होती रहेगी, हो सकता है अब किसी को कम टाइम मिला हो, कम टाइम का तो सवाल ही नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षा यानी कि 2 साल पहले ये सिस्टम जारी कर दिया गया था, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो बार बार भ्रमित हो रहे हैं। तो इससे बड़ी अपडेट में आपको आगे की न्यूज़ बताते हैं। बेनीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो आऊँगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने फेसबुक पर पोस्ट कर कहा है कि सरकार स्वयं दिल से दिखाई और छात्रों की मांगों को स्वीकार करें, कड़ाके की ठंड में सरकार छात्रों की अग्नि परीक्षा नहीं लेवें, जरूरत पड़ी तो मैं खुद आंदोलन में भाग लूँगा। यानी कि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है नेताओं की संख्या भी वहाँ पर बढ़नी स्वाभाविक है और इसमें सांसद रामचंद्र बोहरा भी मौके पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी परीक्षार्थियों आगे बढ़ाने का साथ दिया है। भाजपा नेता भी पहुंचे हैं, भाजपा नेता काफ़ी धरना स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, परीक्षार्थी और पुलिस में झड़प भी इसमें मामले में हो चुकी है और इसमें एक स्टेटमेंट अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का है कि स्कूल वैकेता परीक्षा को तिथि बार बार बढ़ेगी तो छात्र परेशान होंगे, भर्तियां देर से भी परेशानी होती हैं, फिर मामला अदालत में उलझ जाता है, ऐसे करने से समय पर भर्ती नहीं हो सकती है। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट बताया जा रहा है। आपका स्टेटमेंट भी कमेंट करना न भूलें। अभ्यर्थियों की आंदोलन संबंधी न्यूज़ आज पूरे अखबारों में छाई हुई है तो इसमें दो मांगे मानने लायक हैं, सरकार को माननी चाहिए, अन्य राज्यों का जो आरक्षण है वो घटाना चाहिए और परीक्षा के पद बढ़ाने चाहिए। परीक्षा के पद बढ़ाने के मामले में सरकार कह चुकी है कि नेक्स्ट भर्ती आगे है जो दोबारा कर दी जाएगी, लेकिन ये जो अन्य राज्यों का है इसमें बहुत से अभ्यर्थी अन्य राज्यों के राजस्थान में लग जाते हैं जिससे राज्य के अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है, हम बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे लेकिन अभी तक सरकार ने इससे संबंधित कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेबसाइट पर वही तारीख शो हो रही है जो कि पहले जारी की गई थी।